क्योंकि दलित के पास पैसा नहीं होता, वसीला नहीं होता, दलित का कोई दाता नहीं होता, एक ही दाता है बी आर अम्बेडकर, उनके हम अनुयायी है। हम रेल रोको आंदोलन छेड़ेंगे, रेल रोको आंदोलन होने के बाद में अगर नहीं हुआ तो हम आत्मदहन करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं जो करके बताएंगे। हम गांधीवादी नहीं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, क्योंकि आज तक हम पर अन्याय होते गया है। मेरी संगठन का नाम है अखिल भारतीय आदिवासी ठाकुर व दलित कामगार संगठन भ्रष्टाचार विरोधी संघ। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष फकीर चंद सांडू जी सोनोने। मैंने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है कि वो निवेदन में ये लिखा है कि शिवलाल लश्कर पवार मैयत और जिन उन्होंने जिन जिंदा जिंदेपन में जो अख्तियारनामा लिख के दिया है उनका नाम है विलास सूर्यभान साळवे, इनके नाम पर 7-12 किए जाए। वो पोखरी यहाँ पर जो हडोला जमीन है उस जमीन पर जो जातिवादी लोग हैं, मराठा समाज के लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया है, वो जमीन छोड़ दिया जाए। और औरंगाबाद जिले में अनेक जगह ऐसी है कि जहाँ पर स्मशान भूमि पर और हडोला जमीन पर, पिंपरखेड़ा कन्नड़ तालुके में आता है, वहाँ पर हडोला जमीन है, वहाँ पर अतिक्रमण किया है, इन लोगों ने ये जमीन छोड़ दिया जाए और जो दलित लोग हैं उनको वापस दे दिया जाए। ऐसे अनेक निवेदन दिए हैं, मगर कलेक्टर साहब के और महाराष्ट्र प्रशासन के समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अगर इन्होंने जल्द से जल्द 7-12 पर नाम विलास साळवे और अपना शिवलाल लश्कर पवार इनका तुरंत नाम नहीं लिया तो आने वाले बुधवार को हम विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने रास्ता रोको आंदोलन छेड़ेंगे, संगठन के तरफ से रास्ता रोको आंदोलन छेड़ेंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम रेल रोको आंदोलन छेड़ेंगे, रेल रोको आंदोलन होने के बाद में अगर नहीं हुआ तो हम आत्मदहन करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं जो करके बताएंगे। हम गांधीवादी नहीं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, क्योंकि आज तक हम पर अन्याय होते गया है। हमारे समाज को अन्याय नहीं मिला, हमारे समाज को अन्याय सहन करना पड़ा गया है। क्यों? कि ये जातिवादी प्रशासन है क्या? आज तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों? कि हर बार हमने निवेदन दिए 1999 से लेके तो अभी तक हमने कलेक्टर साहब को ऐसे कई निवेदन दिए, हमारे हडोल जमीन नहीं मिलना, हडोल जमीन छोड़ो। और उसके बाद में जो शिवलाल लश्कर पवार है वो एक आदिवासी बोले बंजारा समाज है, उसकी जमीन उसके नाम पर होना चाहिए। 7-12 का फेर 7-12 के लिए फेर हुआ है, मैं फिर भी उसके नाम पर 7-12 क्यों नहीं हुआ? इसलिए उन्होंने ना इला दोस्तों, उनके पीछे कोई ना होने के कारण जो साळवे साहब है इनको उन्होंने अख्तियारनामा कर दिया है। उस वजह से साळवे साहब ने कई वकीलों के हाथों से अदालतों में दरखास्त दाखिल किए और वो तहसील न्यायालय एसडीएम न्यायालय इन्होंने न्याय देखिल दिया है, फिर भी आज तक ही हम लोगों को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये शासन जातीयवादी है ऐसा हमको लग रहा है, मगर कोई बात नहीं, हम भीम जी के बच्चे हैं। आने वाले बुधवार तक अगर न्याय नहीं मिला तो हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। वो नहीं हुआ, ये रास्ता रोको आंदोलन करके भी नहीं हुआ, हम रेल रोको करेंगे और ये होने के बाद में भी नहीं हुआ तो हम आत्मदहन करेंगे। शासन कुछ भी इसमें सुधार बिगाड़ हुआ इसकी सब जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। जय भीम। आप जो निवेदन दे रहे हैं, हाँ जी, तो अभी तक आपने अम्बेडकरवादी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? हमने अपनाते कई मर गए, हम यहाँ भी खड़े हुए। हमारे पहले कई नेताओं ने आंदोलन करे, मगर ये प्रशासन के दिमाग में नहीं आया कि दलितों को सही में न्याय मिल जाए। उस ऐसे कई प्रश्न विलंब है साहब कि वो आज तक किसी को न्याय मिला होगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि दलित के पास पैसा नहीं होता, वसीला नहीं होता, दलित का कोई दाता नहीं होता, एक ही दाता है बी आर अम्बेडकर, उनके हम अनुयायी है। इसलिए हम आज झगड़ रहे, कई नेता झगड़ते वो एक्सपायर हो गए, मगर उनको न्याय नहीं मिला।
इसलिए आने वाले तारीख आने वाले बुधवार को हम रास्ता रोको करेंगे, उसके बाद रेल रोको करेंगे, नहीं हुआ तो आत्मदहन भी करने की हमारी तैयारी रहेगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नमस्कार, मी आहे आपला जुनियर लक्ष्य लाडका लक्ष्य। आपण बघत आहोत औरंगाबाद अपडेट्स। या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि हो नवनवीन ताज्या घडामोडी जाण्याचे असेल तर आपल्याकडे एक पर्याय आहे, फक्त तो औरंगाबाद अपडेट। थँक्यू।